अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। हम आभार व्यक्त करते हैं पद्मश्री अनूप जलोटा जी, इतने व्यस्तता के बावजूद भी सिर्फ एक बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से रिक्वेस्ट भेजने पर जब उन्हें पता चला कि ये एक नोबल काउज है, तो उन्होंने कोई वक्त नहीं लगाया और न सिर्फ ये स्वीकार किया कि हम आपके इस कार्यक्रम में आएंगे, बल्कि कैंसर के सर्वाइवर्स पेशेंट्स के लिए भजन के माध्यम से उनके जीवन में सुख और शांति की एक नई परिकल्पना तैयार करेंगे, इसके लिए भी उन्होंने अपना अनुमोदन दिया, जिसके लिए हृदय से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। ऐसी अभी मैं चाहूंगा कि सुधीर जी दो शब्द अपने कहे। नहीं बनाऊंगा तुम्हारी याद में कोई ताजमहल, नहीं बनाऊंगा तुम्हारी याद में कोई ताजमहल, ये सच है मैं बादशाह नहीं तुम मुमताज नहीं, यकीन मानो पर मेरी मोहब्बत किसी बादशाहत की मुहताज नहीं। पर इससे भी बड़ा सच ये है कि नहीं कटवा सकता मैं उन असंख्य संभावनाओं के हाथ जो देश में कई और अजूबे गढ़ सकते हैं। नहीं दफनाऊंगा तुम्हारी यादों को चार दीवारी में कि बेशुमारी मोहब्बत की नहीं कबूल मुझे, ईंट पत्थरों तले उस जमी को दफन कैसे करूं जो असंख्य लोगों की पेट की आग बुझा सकती है। हाँ इन्हीं खेतों में फूल बन के तुम खिला करना, फिजा कुछ स्वच्छ हो, बहे हवा कुछ दोष रहित, यही तो चाहती थी तुम सदा जीवित रहना। मेरा वादा रहा नहीं तुम्हें मरने दूंगा, तुम्हारे जीवन का अर्थ परोपकार रहा, जरूरत है तुम्हारी तुम सदा जीवित रहना। आज वो जीवित हैं हम लोगों के साथ और आज आने वाले 100, 200, 500, 1000 वर्ष तक वो जीवित रहेंगी। इस प्रकार का जो अभियान है वो निरंतर चलता रहेगा, गांव गांव तक ये अभियान पहुंचेगा। आप लोगों के साथ का, आप लोगों के संघ का, आप लोगों के सहयोग का संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कैंप का और जो जन्म हुआ इस फाउंडेशन का, वो भी एक इस इन्हीं हालात में कि एक महिला जो मेरी पत्नी थी, जो किसी भी रूप में टोबैको नहीं लेती थी और हम सब अपने आप को पढ़े लिखे लोग ही मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक चूक हुई और वो हमें छोड़ के चली गई। तभी हमें इस बात का भी एहसास हुआ कि अगर हमसे गलती हो सकती है तो आपसे भी गलती हो सकती है और लोगों से भी गलती हो सकती है, और ये गलती ना हो, ये दोहराई ना जाए, इसीलिए जागरूकता की ज़रूरत है, जिसे हम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, अलग अलग कैंप्स के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ निजी संस्थाओं को आगे आने की बात नहीं है, मैं तो ये कहता हूं कि हर व्यक्ति को आगे आना होगा इस फील्ड में, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि विगत 15 सालों के अंदर, 15 में ज़्यादा कह रहा हूँ, 10 सालों के अंदर 500% ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स आने वाले हैं इस देश में। हम लोग एक कैंसर कैपिटल के रूप में उभरने वाले हैं और तभी हमारा ये बचाव हो सकता है कि हम में जागरूकता आए, टोबैकोज या पैसिव स्मोकिंग या जो ड्रिंक लेते हैं तरह तरह के, उन सब से हमें बचना होगा। मैं प्रफुल्ल जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम शुरू किया है। एक तो हमारी शुभकामना है, शुभेच्छा है कि ये लगातार अभियान चलता रहे। और देखिए, सरकार के बूते हर काम संभव नहीं है, ऐसे गैर सरकारी प्रयास, ऐसे सामाजिक प्रयास होने चाहिए, तब जाकर के किसी बड़ी बीमारी से लड़ा जा सकता है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि समता मिश्रा के नाम पर जो फाउंडेशन शुरू किया गया है रिसर्च करने के लिए कैंसर के लिए, ये एक आगे चल के बहुत बड़ा अभियान शुरू होगा, साबित होगा। देखिए, कोई भी जागरूक व्यक्ति होगा तो इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि समता मिश्रा
कैंसर मेमोरियल जो फाउंडेशन बना हुआ है, यह कैंसर भगाओ के लिए एक पूरी तरह से जागरूकता कर फैलाने का काम कर रहा है। और जो जागरूकता है कि मैं चली गई लेकिन और कोई इस रोग से ना जाए, लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है, और इस दिशा में जो प्रफुल्ल मिश्रा काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर वह वंदनीय है, अनुकरणीय है और सराहनीय है। मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर इसी निमित्त यहाँ आते हैं कि जीवन तो चला गया लेकिन औरों का जीवन न जाए, औरों का जीवन बचे, इस दिशा में काम करने के लिए मनुष्य की जो प्रेरणा प्रफुल्ल मिश्रा जी को मिली है वह अच्छे तौर पर कर रहे हैं। हम बहुत हार्दिकता से इसमें जुड़े हुए हैं। कैंसर से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं।